हे गाइस, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ माय ब्लॉग इन जयपुर। कल मेरा बर्थडे था और मैंने बहुत फन किया, आपने तो देखा ही था। तो आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो बहुत बहुत प्राचीन है, बहुत सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, क्योंकि ये जगह एक ऐसी हस्ती या यूं कह ले एक ऐसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से जुड़ी है जो कि बहुत लार्जर देन लाइफ है। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में थोड़ा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर है। तो आओ मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। देखो, सब लोग ये बात जानते हैं कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्यदेव को लड्डू समझ के निगल लिया था, राइट? लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि हनुमान जी के एक्चुअल गुरु, जिनसे उन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त की हैं, वो सूर्यदेव ही थे। तो हमारे भारत में और हमारे अपने राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुरु शिष्य की ये अनोखी जोड़ी प्रस्तुत है, जहाँ आज भी इसकी भव्यता दिखाई देती है, जहाँ इसके सारे सबूत दिखाई देते हैं, और हम ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं यही वो जगह तो नहीं है जहाँ वो कोचिंग लिया करते थे। तो ये है वो जगह गलता जी, द वर्ल्ड हेरिटेज फ्रॉम राजस्थान। आइए, भी इनको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अरावली पहाड़ियों ने अपने दिल में एक बहुत खूबसूरत जगह छुपा रखी है। ये देखो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना? वैसे नवंबर टू जनवरी राजस्थान विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम है। वेदर प्लेजेंट होता है, प्लस क्या है, राजस्थान में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बाकी टाइम पे हम मतलब ऐसे विजिट नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हमें कहीं जाना चाहिए, कहीं बाहर अब निकलते हैं पोस्ट कोरोना और अभी थोड़ा प्रिकॉशन लेके, और अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए, तो ये बिल्कुल सही टाइम है विजिट करने का। एटलीस्ट राजस्थान विजिट करने का दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ गलता कुंड की तरफ। वैसे तो गलता जी में 7 कुंड हैं टोटल, लेकिन वैसे कहते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पवित्र गलता कुंड को ही मानते हैं, और ऐसा कहते हैं कि ये इधर मीठे पानी का झरना है ना, हमेशा बढ़ता रहता है, और ये कुंड कभी भी सूखा नहीं है आज तक, और ये बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं इस कुंड को। और बस इस कुंड के आगे ही सूर्य मंदिर है, तो बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे पहले कुंड में स्नान वगैरह करके और उसके बाद सूर्य देव के दर्शन करने जाते हैं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही। मैं बस देखने जा रही हूँ कि आखिर वैसा कौन सा कुंड है जो आज तक कभी सूखा ही नहीं, इतने हजारों साल से ये कुंड में ऐसे ही पानी है। ये जो छोटे छोटे डोर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर से पानी आता दिख रहा है, बट अभी वहाँ पे जा नहीं सकते, उन्होंने अलाउ नहीं किया है वहाँ अंदर तक जाने को, तो अब मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। और मेरा इतना मन था हनुमान मंदिर विजिट करने का, बट एज अ गर्ल मुझे वहाँ पे अभी जाने को अलाउ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम बाद में विजिट कर पाएंगे वहाँ पे, तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें तो अभी नहीं जा पाई और मैं हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाई। बट ठीक है, बाहर से भी हमने दर्शन कर लिया बहुत है। का कभी जयपुर आना हुआ तो गलता जी आना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। वैसे इस जगह और यहाँ के आर्किटेक्चर की मैं जितनी तारीफ करूँ वो कम है, लेकिन फिर भी आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं तो अब जा रही हूँ वापस होम स्टे पे, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।